हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फ्रेंड अंसारी, आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के डे नंबर 17 के यानी कि उसके थर्ड संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एंड ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, जस्ट इमेजिन, आपकी फिल्म कहीं ना कहीं 3.27 करोड़ रुपए कमाती है ऑन इट्स थर्ड फ्राइडे एंड उसके बाद जो सैटरडे का दिन है वहां पर इसकी जो ऑक्यूपेंसी है सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं बल्कि इवनिंग में इवन द नाइट इतनी अच्छी है एंड अच्छी टू द ट्यून ऑफ 30-40% अच्छी है। एवरीवन इन द ट्रेड, एवरीवन इन द एग्जीबिशन सर्कल गारंटीज दैट दिस फिल्म इज गोइंग अबाउट 4 करोड़। ज्यादा इंग्लिश ना झाड़ते हुए आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, एग्जीबिशन यानी कि थिएटर वालों से लेकर जितने भी ट्रेड वाले हैं वो ये बात कंफर्म कर देते हैं कि एटलीस्ट 4 करोड़ तो जाएगी ही जाएगी एंड शाम के शोज ये कंफर्म कर देते हैं कि सूर्यवंशी मिनिमम 4.5 करोड़ रुपए कमाएगी ऑन इट्स डे नंबर 16। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज क्या होता है, प्रोड्यूसर्स ऐसा कलेक्शंस देते हैं जिसने आज ट्रेड को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया है। जस्ट इमेजिन, ट्रेड जब 4 करोड़ का कलेक्शन देती है एंड प्रोड्यूसर 3.77 का कलेक्शन देता है तो कितना दिमाग घूमेगा, सिर्फ फैंस का ही नहीं बल्कि जितने भी लोग ट्रेड में, एवरीवन इज अनहैप्पी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैपनिंग विद सूर्यवंशी, अगर ऐसा होगा देन गाइस वो 200 करोड़ का जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि गाइस चलो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं हो रहा है, ये एक अलग टॉपिक है, उसको साइड में रख दो। ट्रेड जब 4 करोड़ बोल रहा है, सारे के सारे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स जो है वो ये इस तरफ यू नो दर्शा रही है कि जो सैटरडे का कलेक्शन है वो फ्राइडे से 30% ज्यादा आया है, उन सारी चीजों को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट व्हाट इज हैपनिंग विद सूर्यवंशी। लेकिन बहुत लेट हो चुका है, 17 दिन हो चुके हैं एंड आई थिंक सिर्फ अक्षय कुमार के फैंस एंड जितने भी लोग जो यू नो फिल्म लवर्स है जो बॉक्स ऑफिस में रुचि रखते हैं ओनली दे आर इंटरेस्टेड, अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन इज यू नो इवन कंसर्न, विच इज अ वेरी सैड स्टोरी। एंड आई थिंक सूर्यवंशी के ऐसे ही कर करा के ऑलमोस्ट 10-12 करोड़ घटा दिए गए हैं एंड उसके बाद एडवांस बुकिंग इतनी लेट खोल के इस फिल्म को ऑलरेडी इतना सारा नुकसान हो चुका है, वरना अब तक सूर्यवंशी जो है वो ऑलमोस्ट 17 दिनों में 200 करोड़ रुपया क्रॉस कर लेती। ऑल सेड एंड डन, मेरा काम तो आप लोगों को बताना, चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। डे नंबर 16 प्रेडिक्शन 4.50 करोड़ से लेके 5 करोड़, ट्रेड फिगर 4 करोड़, प्रोड्यूसर गिव्स 3.77 करोड़। फैंटास्टिक। सो गाइस अब 16 दिनों में जो कलेक्शन हुआ है सूर्यवंशी का वो है 173.27 करोड़, यानी कि 173.27 करोड़ इसने कमा लिए हैं ऑलमोस्ट 16 दिन में एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। इनका ग्रॉस होता है 206.26 करोड़ यानी कि 206.26 करोड़। बात करूं ओवरसीज की तो ओवरसीज फिल्म बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है। ओवरसीज में इस फिल्म ने 56.54 यानी कि 56.54 करोड़ की कमाई कर ली है इन 16 डेज। सो गाइस 206.26 यानी कि 206.26 करोड़ इंडिया ग्रॉस एंड 56.54 यानी कि 56.54 ओवरसीज ग्रॉस। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ्स, सूर्यवंशी ने मात्र 16 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस विंडो पर यानी कि विश्व भर के टिकट घर जो है वहां पर सिनेमा घरों में जो टिकट खिड़की है वहां पर 262.80 यानी कि 262.80 करोड़ की कमाई कर ली है, इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। बात करूं मैं आज की गाइस तो आज की ऑक्यूपेंसी बहुत ही इंकरेजिंग है एंड काफी हद तक जो संडे की क्राउड रहती है उन्होंने इस ऑक्यूपेंसी को बढ़ाने में और मदद की है। बात करो मुंबई की तो अनफॉर्चुनेटली आई फाइंड नो रीजंस व्हाई शोज जो है वो संडे कम कर दिए हैं। 489 शोज हैं, कल ऑलमोस्ट प्लस थे 500 प्लस। बात करो मुंबई की तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 50%, इवनिंग शोज है 78। जस्ट इमेजिन ऑक्यूपेंसी इज शोइंग, दिख रहा है कि 78% ऑक्यूपेंसी है एंड उसके बाद भी अगले दिन प्रोड्यूसर ऐसा कलेक्शन दे तो कितना मूड ऑफ होएगा। एंड इफ यू आर एन अक्षय कुमार फैन, अ वेरी कट्टर अक्षय कुमार फैन, दिस इज द लास्ट थिंग यू वांट, यू नो एवरीवन इज रूटिंग कि दिस फिल्म शुड टच अ 200 करोड़। सब लोग इस जुस्तजू में लगे हैं कि ये फिल्म 200 करोड़ कैसे भी चलनी चाहिए एंड जब ऐसे हादसे होते हैं मूड ऑफ होता है। ओके गाइज, बात करो दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर आज 25% है। सच्ची बोल रहा हूं, अगर आज कलेक्शन नहीं बढ़ाना, आज कलेक्शन बराबर नहीं दिए ना, देन सीरियसली, क्योंकि ये 3 दिन ही थे जहां सूर्यवंशी आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस करने वाली थी।
अगले वीकेंड में डोंट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म लाइक दिस। अंतिम एसएमजे 2 दोनों एक ही साथ आ रही है। यहां पर बात करो पुणे की, पुणे की रात की ऑक्यूपेंसी 80% की है 188 शोज में। बेंगलुरु की ऑक्यूपेंसी आज 64% है 93 शोज में। हैदराबाद इज 135 शोज में। बात करो कोलकाता 47% ऑक्यूपेंसी है नाइट के शोज 150 शोज में। अहमदाबाद ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 37, जो लोगों की नाइट ऑक्यूपेंसी होती है वो अहमदाबाद की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। हाँ, यहाँ पर 295 शोज है। बात करो यहाँ पे सूरत की तो 190 शोज में 55% नाइट एंड 38% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। तो ये मैं इसको मद्देनजर रखूं तो आराम से इसका कलेक्शन 4.75 करोड़ से 5 करोड़ जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ट्रेड देखना रात को देगा 4.75 करोड़ से 5 करोड़। लेकिन अब प्रोड्यूसर जब कर देगा खुंगली तो क्या मतलब है बोल के। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर सूर्यवंशी ऑन इट्स 17th डे यानी कि थर्ड संडे विल बी 4.75 करोड़ से लेके 5 करोड़। मैं चाहता हूं कि इतना जब ऑक्यूपेंसी बढ़ी है तो ये फिल्म 5 करोड़ कमाए। आज संडे है, टिकट के भाव बढ़ाए हुए रहते हैं संडे के दिन। अब मेरी बात समझ रहे हो, टिकट के भाव संडे के दिन बढ़ाए हुए रहते हैं एंड आज अगर 5 करोड़ आता है देन ये फिल्म 178.27 यानी कि 178.27 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो जाएगी। एंड अगर बात करूं आने वाले दिनों में तो इसे 21.5 करोड़ यानी कि 21.5 करोड़ और कमाने पड़ेंगे टू एंटर द 200 करोड़ क्लब। दैट मीन्स वॉट, ओके। अगर मैं यहां पर मंडे का कलेक्शन देखूं तो ऑलमोस्ट 3.27 था फ्राइडे का कलेक्शन। उसके हिसाब से मैं अगर मंडे देखूं तो मंडे इस फिल्म को एटलीस्ट आधा भी कमाई, चलो 2 करोड़ कमाई। ट्यूजडे का 1.8, वेडनेसडे 1.5 एंड थर्सडे 1.2, मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूं, एंड और 6.5 करोड़ रुपए कमा लेगी। एंड गाइस कहीं ना कहीं फिर इसे 15 करोड़ और चाहिए होगा। इट विल रीच 185 to 186 करोड़ आफ्टर द एंड ऑफ 21 डेज एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस एंड इसे और 15 CR चाहिए टू टच द 200 करोड़ क्लब। अनफॉर्चुनेटली अंतिम एसएमजे 2 के बाद इसे कितने शोज मिलते हैं इस पे सब के सब निर्भर करता है। क्योंकि गाइस अगर आज 5 कमाई, हाँ कल 3.77, उसके पहले इतना कलेक्शन कमाई यहाँ पर, ये वीकेंड ही इसका ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ का है बस। तो अगला वीकेंड आधा कर दो, 4-5 करोड़ का भी हो सकता है। तो गाइस टच एंड गो है, नेवर से नेवर, लेट्स सी क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। बस आई होप संडे इज समवेयर अराउंड 5 करोड़। आई होप गाइस एपिसोड आप सभी लोगों को समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। स्मयामन अंसारी साइनिंग ऑफ। यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।